हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको इंडिया के 3 मेगा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा और उसके लिए मैं आपको भरूच में लेके आया हूं। यहां पर तीनों ही प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से किया जा रहा है। फर्स्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सेकंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और थर्ड है हाई स्पीड रेलवे। ये तीनों ही प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। विदिन 2 किलोमीटर के एरिया में आप यहां पर तीनों प्रोजेक्ट को देख पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ इन तीनों प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद इंडियन इकोनॉमी में कितना बदलाव आएगा उसको जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तीनों ही मेगा प्रोजेक्ट में किस तरह से काम किया जा रहा है और इनमें कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, चलिए उसे देखते हैं। इंडिया में फर्स्ट बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी। ये 508 किलोमीटर का स्ट्रेच विद इन 2 आवर में तय कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर C4 पैकेज में नर्मदा रिवर पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और बुलेट ट्रेन का 90% से अबाउ पार्ट एलिवेटेड या फिर टनल के थ्रू होकर जाएगा। एलिवेटेड सेक्शन के लिए यहाँ पर पियर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और पियर के नीचे फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पर पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया गया है और जहाँ पर भी ये रिवर को क्रॉस कर रहा है वहाँ पर वेल फाउंडेशन का यूज़ किया जा रहा है। पाइल फाउंडेशन पर अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप यहां पर देख सकते हैं वेल फाउंडेशन में वेल सिंकिंग का काम चल रहा है। अगर आप वेल फाउंडेशन भी किस तरह से किया जाता है उस पर भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं वेल स्टैनिंग के बाद में वेल सिंकिंग का काम चल रहा है। ड्यूरिंग द वेल सिंकिंग वेल कितना टिल्ट या शिफ्ट हुआ है उसका ध्यान रखा जाता है। बुलेट ट्रेन जहां भी रिवर को क्रॉस कर रहा है वहां पर इसी तरह से वेल फाउंडेशन का यूज़ किया जा रहा है और एलिवेटेड सेक्शन में पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया जा रहा है। इस C4 पैकेज के अंदर 237.1 किलोमीटर के एलिवेटेड लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिसके कंस्ट्रक्शन का कार्य L&T को मिला है। बुलेट ट्रेन का कार्य कितने पैकेजेस में डिवाइड किया गया है और अभी कौन से पैकेज में क्या स्टेटस है इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। भरूच में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहां पर प्रीकास्ट यार्ड का कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहां पर पियर का कास्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद प्रीकास्ट बॉक्स गर्डर का यूज़ किया जाएगा सुपर स्ट्रक्चर में। ये प्रोजेक्ट मेनली 2 स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र को क्रॉस कर रहा है। गुजरात में काम तेज़ी के साथ किया जा रहा है, महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन और लोकल समस्या अभी भी बनी हुई है और महाराष्ट्र में हो रही काम की देरी को लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के MP का क्या बयान है उसे आप यहां पर सुन सकते हैं। कहूंगा कि ये रेल को महाराष्ट्र के लोगों का विरोध इसी कारण है कि मुंबई के सभी बड़े बड़े कारपोरेट जगत को अहमदाबाद को हिलाने की योजना ये सरकार बना रही है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुंबई के कॉरपोरेट हाउसेस को अहमदाबाद में शिफ्ट करना चाहती है, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन को किसी भी तरह का असिस्टेंस या फिर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है। अगर किन्हीं कारणों से ये प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद को कनेक्ट नहीं कर पाया तो ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर होगा और सिर्फ गुजरात के अंदर इस प्रोजेक्ट को रन करना पड़ा तो ये इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट को फिजिबल नहीं हो पाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस रूट का कंस्ट्रक्शन सिर्फ मालगाड़ियों के लिए किया जा रहा है। ये अलाइनमेंट भी भरूच में नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर अंडरस्लंग स्टील ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसी तरह के ब्रिज का कंस्ट्रक्शन साबरमती रिवर पर भी किया गया है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से वेल सिंकिंग का काम रिवर पर किया गया है और टॉप प्लग का कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसके ऊपर वेल कैप का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस अलाइनमेंट में डबल ट्रैक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये रेलवे लाइन सिर्फ मालगाड़ियों के लिए होगी, इसके लिए यहाँ पर डबल स्टैक कंटेनर को भी ले जाया जा सकेगा। साथ ही साथ ट्रेन लेंथ भी एक्सीड होगी और ट्रेन की लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी।
इससे मालगाड़ियां तेजी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगी और लॉजिस्टिक की लागत में कमी आएगी और उससे उत्पादों के दाम में भी कमी आएगी। अभी आप जो DFC का पार्ट देख पा रहे हैं, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। इसी के साथ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सेक्शन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से स्टार्ट होकर रेवाड़ी हरियाणा पर एंड होगा। ये 1506 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच दो फेज में किया जा रहा है, जिसमें अभी 630 किलोमीटर ऑपरेशनल है और 874 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा है ईस्टर्न कॉरिडोर। ये पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट होकर वेस्ट बंगाल के डंकुनी पर एंड होगा। ये 1873 किलोमीटर का अलाइनमेंट 5 फेज में इसका कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा है, जिसमें 397 किलोमीटर ऑपरेशनल है और 1442 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर के अलावा ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट कोस्ट और साउथर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में किया जाएगा। अजमेर से रेवाड़ी सेक्शन बनकर तैयार है और उसके साथ साथ यहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है और कंटेनर के रखरखाव के लिए कंटेनर डिपो का कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये 1380 किलोमीटर का प्रोजेक्ट DND सोना से स्टार्ट होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। मई 2018 में इसके कंस्ट्रक्शन कार्य को शुरू किया गया था और इसको बनाने में अनुमानित लागत 1,00,000 करोड़ रुपए आएगी। और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र सिर्फ 12 घंटे में तय किया जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से इकोनॉमिक हब लाइक जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे शहरों में कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। हरियाणा और राजस्थान के कुछ सेक्शन में कंस्ट्रक्शन कार्य अंतिम चरणों में है और गुजरात के वडोदरा से अंकलेश्वर सेक्शन भी मार्च 2022 तक NHAI द्वारा इसे ओपन करने का प्लान किया गया है। और पूरे एक्सप्रेसवे के कंप्लीशन डेट की बात करें तो NHAI द्वारा मार्च 2023 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया था और महाराष्ट्र में आ रही लैंड एक्विजिशन की दिक्कत के कारण वहां पर अभी कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। अभी आप जो नर्मदा रिवर पर ब्रिज देख पा रहे हैं, ये वडोदरा से मुंबई सेक्शन के पैकेज 4 का हिस्सा है। यहां पर ऑलमोस्ट 95% काम कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहां पर ब्रिज देख सकते हैं, इस ब्रिज का काम भी कंप्लीट कर लिया गया है और जल्द ही NHAI द्वारा इस सेक्शन को कम्यूटर्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इन 3 मेगा प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इंडियन इकोनॉमी में कितना बदलाव आएगा और आम लोगों को इससे कितना बेनिफिट होगा, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। अगर आप कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके और इंस्टाग्राम सिविल टेक्नो इंडिया पर भी फॉलो करके आप मुझे पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।